फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां से आप घर बैठे काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इस वेबसाइट पर बेसिकली आपको टाइपिंग से रिलेटेड काम करना रहता है और इसी की आपको बहुत अच्छी पेमेंट दी जाती है। इस वेबसाइट का नाम है rep.com। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है rep.com। बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, काफ़ी रियल है, किसी तरीके का फ्रॉड या फेक या स्कैम यहाँ पर नहीं होता है। जितने भी मैंने रिव्यूज जाने हैं, लोग यही कहते हैं कि अच्छी वेबसाइट है, हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। इंडियंस भी यहाँ पर काम करते हैं जो भारतीय हैं और काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग वो इस वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपको थोड़ी सी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर वगैरह की नॉलेज है, तो आप ज़रूर यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिकली 3-4 तरीके के काम के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसमें से मैं 3 को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई ऑडियो या वीडियो फाइल दी जाती है, उस फाइल को आपको सुनना है और सुन के आपको टाइप करना है, यानी कि जो भी चीज़ें सुन रहे हैं आप उस ऑडियो या वीडियो फाइल में, उसको सुनकर आपको टाइप करना है। जैसे आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि जो कोई मूवी आ रही है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश की कोई मूवी आ रही है, तो उसके नीचे उसका लिखा हुआ भी आता है कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, सबके डायलॉग। सो इसी तरीके का काम है ट्रांसक्रिप्शन में, जो भी आप सुनते हैं उसी को आपको टाइप करना रहता है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी होगी तभी आप उसको जल्दी जल्दी और ठीक तरीके से टाइप कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा आपको मिलता है कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई ऑडियो या वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ऑडियो वीडियो सुनते हैं उसको आपको टाइप करना है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि भाई speaker 1 ने ये बात बोली है, speaker 2 ने ये बात बोली है, speaker 3 ने ये बात बोली है। जैसे आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं, वहाँ पर किसी आदमी की आवाज़ आपको आ रही है, तो speaker 1 की ये बात आपने लिख दी। उसके बाद किसी महिला की आवाज़ आई, आपने speaker 2 करके उसकी बात को लिख दिया। उसके बाद किसी और की व्यक्ति की आवाज़ आती है, आप speaker 3 करके उसकी आवाज़, उसकी बात को लिख देते हैं। फिर दोबारा से उसी व्यक्ति की आवाज़ आई जिसने सबसे पहले बोला था, तो आप दोबारा से speaker 1 करके उसकी बात लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से आप कैप्शनर की तरह काम कर सकते हैं। ये भी वही है कि भाई टाइपिंग अच्छी हो, इसके अलावा थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज हो कि हम जो सुन रहे हैं उसकी स्पेलिंग को हम ठीक तरीके से टाइप कर सके, लिख सके, वो काम यहाँ पर होता है। इन दोनों में आप जो ट्रांसक्रिप्शन और कैप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पर मिनट के हिसाब से $1.25 दिया जाता है, यानी कि आपकी वीडियो जितनी भी लंबी है उसके पर मिनट का आपको $1.25 दिया जा रहा है। एक अच्छा अमाउंट है पर मिनट के हिसाब से, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो 5 मिनट की हो सकती है, वीडियो 10 मिनट की हो सकती है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि पर मिनट का आपको मिल रहा है $1.25। ठीक है, तो इस तरह की सी चीज़ें चलती हैं। अब देखिए सबटाइटल्स। सबटाइटल्स का मतलब होता है कि आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे भी, जब हम वीडियो देखते हैं उसमें सारे लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो नीचे कई बार वही बातें इंग्लिश में लिखकर आने लगती है, है ना, ताकि जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है, इंग्लिश समझता है, हिंदी उसको समझ में नहीं आती है, वो कम से कम वो डायलॉग पढ़ के समझ ले कि भाई क्या बातें चल रही हैं। तो इसी को बोलते हैं सबटाइटल्स डालना। तो आप सबटाइटल्स डालने का काम कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ पर आपको लैंग्वेज के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑडियो सुन रहे हैं इंग्लिश में, कोई वीडियो सुन रहे हैं इंग्लिश में, तो वो लोग जो इंग्लिश में बोल रहे हैं वो आपको हिंदी में, आपको उनको ट्रांसलेट करके देना रहता है कि भाई उन्होंने ये बातें बोली है हिंदी में। ठीक है, सिर्फ हिंदी का नहीं है, कोई और फॉरेनर लैंग्वेज आपको आती है, जैसे मान लीजिए फ्रेंच आती है या फिर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आती है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं। तो यही है कि अगर स्किल्स की बात करें तो ये है कि आपकी अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इसके अलावा जो आपका ये है कि ज़्यादा गलतियां ना हो आपकी टाइपिंग में, आपको बिल्कुल सही टाइप करना होता है, बिल्कुल सेम टाइप करना होता है जो कि बात आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा यही है कि इंग्लिश वगैरह की जो बेसिक नॉलेज होती है वो होनी चाहिए कि जो सुन रहे हैं उसकी स्पेलिंग हम ठीक तरीके से लिख सकें। हेल्प ऑब्वियसली ले सकते हैं गूगल से, कहीं और से, जहाँ से भी चाहे, लेकिन फिर भी थोड़ी नॉलेज हमें खुद से भी होनी चाहिए ताकि हम ये काम स्मूथली कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर मिनट के हिसाब से $3 से $7 दिया जाता है, क्योंकि सबटाइटल्स का काम ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो आप जो भी सुन रहे हैं वो आपको टाइप करना है, यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं उसको आपको दूसरी लैंग्वेज में टाइप करना है, तो ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट है, इसीलिए यहाँ पर पैसे भी ज़्यादा हैं। पर मिनट के $3 से $7 आपको डॉलर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो आप अमाउंट कमा रहे हैं वो आप पेपल के थ्रू ले सकते हैं,
ठीक है, तो पेपल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, सारी ही वेबसाइट में आपको इसका रोल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अकाउंट बना लीजिए, इस तरीके से आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। अब देखिए, मेरे जैसे लोग जिनको टाइपिंग नहीं आती है उनके लिए जॉब खराब है, लेकिन जिनको आती है उनके लिए जॉब अच्छी है। ठीक है, तो आप ज़रूर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉग इन करना चाहते हैं तो एज अ फ्रीलांसर यहाँ पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई हाउसवाइफ है तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कॉलेज स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है पहले से ही कोई जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी पार्ट टाइम काम करके थोड़े से और पैसे कमा लूँ, तो भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं या फुल टाइम काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा आपकी अमेजोन, यूट्यूब जिस पे कि हम अभी काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रियल है, वरना इतनी बड़ी कंपनीज यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखना है, तय करना है, टाइम निकालना है कि किस तरीके से मेरे को यहाँ पर टाइम देना है, पार्ट टाइम देना है, फुल टाइम देना है, वो आपकी मर्जी है। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लॉग इन करना चाहते हैं ऑब्वियसली कर सकते हैं। गूगल करना है सबसे पहले rev.com, गूगल करेंगे सीधा सीधा ऑप्शन मिलता है आपको कि आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको साइन इन करना है, आपको बिकम अ फ्रीलांसर वाले पे ऑप्शन पे जाके इस पे अपना जो है सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन आपको करवाना रहता है, मैं एक बार देख लेती हूँ यहाँ पर, है ना। हाँ, उसके बाद आपको लॉगिन करना रहता है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है, लॉगिन जब कर लेते हैं फ्रीलांसर की तरह, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म में आपको सारी बातें लिखनी होती है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और वो आपको जो है दे देनी रहती है, फॉर्म भर देना रहता है। फॉर्म भरने के बाद आपका एक टेस्ट होता है, जो बेसिक से इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको दे देना है। टेस्ट में कोई दिक्कत है तो हेल्प ले सकते हैं गूगल वगैरह से। वैसे ये जो टेस्ट होते हैं, जो भी आप दे रहे हैं टेस्ट, ये टेस्ट ऐसे के ऐसे ही आंसर के साथ भी अवेलेबल होते हैं गूगल पे या किसी और वेबसाइट पे, आप वो आप चेक कर लेना कि कहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप आंसर यहाँ से जो है थोड़ा सा नकल वकल करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के कि भाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म आएगी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस तरीके का, है ना। उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाता है तो टेस्ट के बाद देखिए, हाँ, तो आप यहाँ पर टेस्ट दे देंगे। टेस्ट के बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ करनी होती है, आपको एक सैम्पल भेजना होता है, यानी कि आपको कोई ऑडियो या वीडियो दिया जाता है उसको टाइप करके आपको एक सैम्पल भेजना रहता है उन लोगों को कि भाई आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से टाइप कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो ये जब आप दे देते हैं तो उसके बाद आपको वो लोग बता देते हैं कि आपको सिलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन अगर अच्छे से काम करेंगे तो आपको वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद से आपका काम स्टार्ट हो जाता है और आपको ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपकी ऑडियो वीडियो है फाइल्स, वो आपको मिलती रहती है। आपको ईमेल पे भी वो लोग ईमेल कर देते हैं और आपको यहाँ से काम करना आपको शुरू कर देना है और पेमेंट लेनी शुरू कर देनी है। ठीक है, और जो आप सैंपल देंगे ऑब्वियसली उसके आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, वो आपको एज आ वो देना है, डेमो भी कह सकते हैं, इस तरीके से आपको देना रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।